नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे चैनल पे यानी टेक्नो कंस्ट्रक्शन में। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दिखाने जा रहा हूँ कौन सी प्लेटें होती है जो सेटिंग के लिए यूज होती है, कॉलर वाली, वीना कॉलर वाली, बॉटम वाली। तो आज मैं आपको पूरी इसकी इन्फॉर्मेशन दिखाने वाला हूँ और प्रैक्टिकली आपको दिखाने वाला कौन सी होती है। आप देख सकते हैं ये वाली प्लेट तो इस साइड पर, तो ये होती है, ये तो तीन तीन इंच की होती है, ये भी तीन इंच की होती है। आप देख सकते हैं ये भी तीन इंच की, ये भी तीन इंच की। एक इसके साथ एक आपको डिफरेंस दिखा देता हूँ, लेट मी शो यू। आप देख सकते हैं ये वाली प्लेट की अगर बात करें, हाँ ये सही प्लेट है। ये देखिए, ये यहाँ से बंद है तीन इंची का, यहाँ पे ये लगा हुआ है और यहाँ पे भी तीन इंची की ये बनी हुई है, यहाँ पे लगी हुई तीन इंची की ये कवर वर्क है। तो ये होगी बॉटम वाली और ये होगी बिना कॉलर वाली। कॉलर वाली कौन सी होती है? ये होती है, देखा आपने, ये एक्सटेंड हुआ पड़ा है तीन इंची और एक्सटेंड हुआ, ये यहाँ तक तो बंद हो गया, यहाँ तक बंद हो गया। ये अगर ये बंद हो गया मतलब ये भी बंद हो गया, यहाँ से भी ये बंद हो गया, यानी एक टाइप बन गया आपके तालाब जैसा, इसका बंद हो गया, टाइप बन गया। और ये यहाँ से एक्सटेंड हो रहा है, ये यानी यहाँ से ओपन है, तो इसको हम कहेंगे कॉलर वाली प्लेट, कॉलर वाली प्लेट। और यहाँ से अगर ये आप देख सकते हैं ये तो पूरा बंद हो रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ नीचे कुछ नहीं है, बंद हो रहा है। ये अगर थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाती जैसे इधर एक्सटेंड हुई है, तो इसको भी हम बोलते हैं कॉलर वाली प्लेट बोलते हैं। तो थैंक्स सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, साइट की नॉलेज अगर अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को जितनी हो सके शेयर करें। थैंक यू सो मच।